नमस्कार। गबन मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा 1931 में लिखा गया एक हिंदी उपन्यास है। इस उपन्यास के माध्यम से मुंशी जी ने निम्न मध्यम वर्ग के भारतीय युवाओं में गिरते नैतिक मूल्यों को दिखाने की चेष्टा की है। आगे बढ़ने के पहले जानते हैं कहानी अब तक। तो अब तक हमने जाना कि रमानाथ अपनी पत्नी जलपा के लिए उधार पर गहने बनवाता है। जलपा की सहेली रतन को भी जलपा के जैसे ही जड़ाऊ कंगन चाहिए, इसके लिए वह रमानाथ को रुपये देती है। रतन के रुपये से रमानाथ सर्राफ के पास अपना हिसाब थोड़ा सा चुकता करता है। सर्राफ रतन के गहने उधार पर बनाने को तैयार नहीं होता और टाल मटोल करता जाता है। रतन अधीर होकर अपना रुपया रमानाथ से वापस मांगती है, लेकिन रमानाथ के पास तो रुपये है ही नहीं। इसके लिए वह दफ्तर के रुपये छिपाकर घर लाता है और सोचता है कि ये रुपये रतन को दिखाकर वह उसे तसल्ली देगा कि कंगन जल्द ही बन जाएंगे। पर परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बनी कि वह रुपये जलपा ने रतन को दे दिए। रमा अब और मुसीबत में फंस जाता है, क्योंकि अगर दफ्तर के रुपये उसने वापस न किए तो उसे जेल जाने तक की नौबत आ सकती है। किसी भी तरह रुपयों का इंतज़ाम न होने पर रमा रतन के घर रुपये वापस मांगने जाता है, परंतु संकोच और लज्जा से उसे रुपये मांगते न बनता है। हताश और निराश रमा रतन के घर से वापस चलता है। अब आगे। अगर इस समय किसी को संसार में सबसे दुखी, जीवन से निराश, चिंताग्नि में जले हुए प्राणी की मूर्ति देखनी हो तो उस युवक को देखे जो साइकिल पर बैठा हुआ अल्फ्रेड पार्क के सामने से चला जा रहा है। इस वक्त अगर कोई काला सांप नजर आए तो वह दोनों हाथ फैलाकर उसका स्वागत करेगा और उसके विष को सुधा की तरह पिएगा। उसकी रक्षा सुधा से नहीं, अब विष से ही हो सकती है। मौत ही अब उसकी चिंताओं का अंत कर सकती है, लेकिन क्या मौत उसे बदनामी से भी बचा सकती है? सवेरा होते ही यह बात घर घर में फैल जाएगी कि सरकारी रुपया खा गया और जब पकड़ा गया तब आत्महत्या कर ली। मुंह पर कलंक लगाकर मरने के बाद अपनी हंसी करा के चिंताओं से मुक्त हुआ तो क्या, लेकिन दूसरा उपाय ही क्या है? अगर वह इस समय जाकर जलपा से सारी स्थिति कह सुनाए तो वह उसके साथ अवश्य सहानुभूति दिखाएगी। जलपा को चाहे कितना ही दुख हो, पर अपने गहने निकाल कर देने में एक क्षण भी वह विलंब न करेगी। गहनों को गिरवी रखकर वह सरकारी रुपये अदा कर सकता है। उसे अपना पर्दा खोलना पड़ेगा, इसके सिवाय और कोई उपाय नहीं। मन में निश्चय करके रमा की ओर चला, पर उसकी चाल में वह तेजी न थी। लेकिन घर पहुंचकर उसने सोचा, जब यही करना है तो जल्दी क्या है, जब चाहूंगा मांग लूंगा। कुछ देर गपशप करता रहा, फिर खाना खाकर लेटा। सहसा उसके जी में आया, क्यों न चुपके से कोई चीज उठा ले जाऊं। कुल मर्यादा की रक्षा करने के लिए एक बार उसने ऐसा किया भी था। उसी उपाय से क्या वह अपने प्राणों की रक्षा नहीं कर सकता? अपनी जबान से तो शायद कभी भी अपनी विपत्ति का हाल न कह सकेगा। इसी प्रकार आगा पीछा में पड़े हुए सवेरा हो जाएगा और तब उसे कुछ करने का अवसर ही न मिल सकेगा। मगर उसे फिर शंका हुई, कहीं जलपा की आँख खुल जाए, फिर तो उसके लिए त्रिवेणी के सिवाय और कोई स्थान ही न रह जाएगा। जो कुछ भी हो, एक बार तो यह उद्योग करना ही पड़ेगा। उसने धीरे से जलपा का हाथ अपनी छाती पर से हटाया और नीचे खड़ा हो गया। उसे ऐसा ख्याल हुआ कि जलपा हाथ हटाते ही चौंकी, और फिर मालूम हुआ कि यह एक भ्रम मात्र था। उसे अब जलपा के सलूके की जेब से चाबियों का गुच्छा निकालना था, देर करने का अवसर न था। नींद में भी निम्न चेतना अपना काम करती रहती है। बालक कितना ही गाफिल क्यों न सोया हो, माता के चारपाई से उठते ही जाग पड़ता है। लेकिन जब चाबी निकालने के लिए झुका तो उसे जान पड़ा कि जलपा मुस्कुरा रही है। उसने झट हाथ खींच लिया और लैंप के तीक्ष्ण प्रकाश में जलपा के मुख की ओर देखा। वह कोई सुखद स्वप्न देख रही थी। उसके स्वप्न सुख विलसित छवि देखकर उसका मन कातर हो उठा। आह, इस सरला के साथ मैं ऐसा विश्वासघात करूं जिसके लिए मैं अपने प्राणों को भेंट कर सकता हूं, उसी के साथ यह कपट। जलपा का निष्कपट स्नेहपूर्ण हृदय मानो उसके मुखमंडल पर अंकित हो रहा था। आह, जिस समय इसे ज्ञात होगा कि इसके गहने फिर से चोरी हो गए, इसकी क्या दशा होगी?
पछाड़ खाएगी, सिर के बाल नोचेगी, वह किन आंखों से उसका क्लेश देख सकेगा? उसने सोचा, मैंने इसे कौन सा आराम पहुंचाया है। किसी दूसरे से विवाह होता तो अब तक वह रत्नों से लग जाती। दुर्भाग्यवश इस घर में आई जहां उसे कोई सुख नहीं, उल्टे और रोना ही पड़ा। रमा फिर चारपाई पर लेट रहा। उसी वक्त जलपा की आंखें खुल गई। उसके मुख की ओर देखकर बोली, तुम कहाँ गए थे? मैं अच्छा स्वप्न देख रही थी। बड़ा बाग है और तुम उसमें टहल रहे हैं। इतने में तुम न जाने कहाँ चले जाते हो और एक साधु आकर मेरे सामने खड़ा हो जाता है। बिल्कुल देवताओं का सा स्वरूप है। वह मुझसे कहता है कि बेटी, मैं तुम्हें वर देने आया हूँ, मांगो। क्या मांगती हो? मैं तुम्हें इधर उधर खोज रही हूँ कि तुमसे पूछूं कि क्या मांगू, और तुम दिखाई नहीं देते। मैं सारा बाग छान आई, पेड़ों में झांक कर देखा, तुम न जाने कहाँ चले गए। बस इतने में नींद खुल गई, वरदान न मांगने पाई। रमा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या वरदान मांगती? मांगती जो जी में आता, तुम्हें क्या बता दूं? नहीं बताओ, शायद तुम बहुत सारा धन मांगती। धन को तुम बहुत बड़ी चीज समझते होगे, मैं तो कुछ नहीं समझती। हाँ, मैं तो समझता हूँ, निर्धन रहकर जीना मरने से भी बदतर है। मैं अगर किसी देवता को पकड़ पाऊँ तो बिना काफी रुपये लिए न मानूंगा। मैं सोने की दीवार नहीं खड़ा करना चाहता, मैं केवल इतना धन चाहता हूँ कि ज़रूरत की मामूली चीज़ों के लिए तरसना न पड़े। बस कोई देवता मुझे 5 लाख दे दे तो फिर मैं उससे कुछ न मांगूँ। हमारे ही गरीब मुल्क में ऐसे कितने रईस सेठ ताल्लुकेदार हैं जो 5 लाख एक साल में खर्च करते हैं, बल्कि कितनों का ही तो माहवार खर्च 5 लाख होगा। मैं तो इसमें 7 जीवन काटने को तैयार हूँ, मगर कोई मुझे इतना भी नहीं देता। तुम क्या मांगती? अच्छे अच्छे गहने? जलपा ने त्योरियाँ चढ़ाकर कहा, क्यों चढ़ाते हो मुझे? मैं क्या गहनों पर और स्त्रियों से ज़्यादा जान देती हूँ? मैंने तो तुमसे कभी आग्रह नहीं किया। तुम्हें ज़रूरत हो आज इन्हें उठा कर ले जाओ, मैं खुशी से दे दूँगी। रमा ने मुस्कुरा कर कहा, तो फिर बतलाती क्यों नहीं? जलपा, मैं यही मांगती कि मेरा स्वामी मुझे सदा प्रेम करता रहे, उसका मन कभी भी मुझसे ना गिरे। रमा ने हंसकर कहा, क्या इसमें भी तुम्हें शंका है? तुम देवता भी होते तो शंका होती, तुम तो आदमी हो। मुझे तो कोई ऐसी स्त्री न मिली जिसने अपने पति की निष्ठुरता का दुखड़ा न रोया हो। साल दो साल तो वह खूब प्रेम करते हैं, फिर न जाने उन्हें क्यों स्त्री से अरुचि सी हो जाती है, मन चंचल होने लगता है। औरत के लिए इससे बड़ी विपत्ति नहीं है। इस विपत्ति से बचने के सिवाय मैं और क्या वरदान मांगती? यह कहते हुए जलपा ने पति के गले में बाहें डाल दी और प्रणय संचित नजरों से देखते हुए बोली, सच बताना, तुम अभी मुझे वैसे ही चाहते हो जैसे पहले चाहते थे? देखो, सच कहना। रमा ने जलपा के गले से चिमट कर कहा, उससे कहीं अधिक, लाख गुना। जलपा ने हंसकर कहा, झूठ, बिल्कुल झूठ, 16 आना झूठ। रमानाथ, यह तुम्हारी बड़ी जबरदस्ती है, आखिर ऐसा तुम्हें कैसे जान पड़ा? जलपा, आंखों से देखती हूँ और कैसे जान पड़ा। तुमने मेरे पास न बैठने की कसम खा ली है, जब देखो गुमसुम रहते हो। मुझसे प्रेम होता तो मुझ पर विश्वास भी होता, बिना विश्वास के प्रेम कैसे हो सकता है? जिससे तुम अपनी बुरी से बुरी बात न कह सको, उससे तुम प्रेम नहीं कर सकते। हाँ, उसके साथ विहार कर सकते हो, विलास कर सकते हो, उसी तरह जैसे कोई वेश्या के पास जाता है। वेश्या के पास लोग आनंद ही तो उठाने जाते हैं, कोई उससे मन की बात तो कहने नहीं जाता। तुम्हारी भी वही दशा है, बोलो है या नहीं? आंखें क्यों छिपाते हो? क्या मैं यह नहीं देखती कि तुम बाहर से कुछ घबराए हुए आते हो? बातें करते समय देखती हूँ कि तुम्हारा मन किसी और तरफ रहता है। भोजन में भी देखती हूँ कि तुम्हें कोई खास आनंद नहीं आता। दाल गाढ़ी है या पतली, शाक कम है या ज़्यादा, चावल में कनी है या पक गए, इन सब बातों की तरफ तुम्हारा ध्यान ही नहीं जाता। बेगार की तरह भोजन करते हो और जल्दी से भाग जाते हो। मैं यह सब क्या नहीं देखती? मुझे देखना ना चाहिए? मैं विलासिनी हूँ, इसी रूप से तो तुम मुझे देखते हो ना। मेरा काम है विहार करना, विलास करना, आनंद करना, मुझे तुम्हारी चिंताओं से क्या मतलब? मगर ईश्वर ने वैसा हृदय नहीं दिया, क्या करूं? मैं समझती हूँ जब मुझे जीवन ही व्यतीत करना है, जब मैं तुम्हारे केवल मनोरंजन की ही वस्तु हूँ, तो क्यों अपनी जान विपत्ति में डालूं?
जलपा ने रमा से कभी दिल खोलकर बातें न की थी। वह इतनी विचारशील है, इसका उसने अनुमान ही न किया था। वह उसे वास्तव में ही रमणी समझता था। अन्य पुरुषों की भांति वह भी पत्नी को इसी रूप में देखता था। वह उसके यौवन पर मुग्ध था। उसकी आत्मा का स्वरूप देखने की कभी उसने चेष्टा ही नहीं की। शायद वह समझता था इसमें आत्मा है ही नहीं। अगर वह रूप लावण्य की राशि न होती तो कदाचित वह उससे बोलना भी पसंद न करता। उसका सारा आकर्षण, उसकी सारी आसक्ति केवल उसके रूप पर थी। वह समझता था जलपा इसी में प्रसन्न है। अपनी चिंताओं के बोझ से वह उसे दबाना नहीं चाहता था, पर आज उसे ज्ञात हुआ जलपा उतनी ही चिंतनशील है जितना वह खुद था। इस वक्त उसे अपनी मनोव्यथा कह डालने का बहुत अच्छा अवसर मिला था, पर हाय संकोच, इसने फिर उसकी जबान बंद कर दी। जो बातें वह इतने दिनों तक छिपाए रखा, वह अब कैसे कहे? क्या ऐसा करना जलपा के आरोपित आक्षेपों को स्वीकार करना न होगा? हाँ, उसकी आंखों से आज भ्रम का पर्दा उठ गया। उसे ज्ञात हुआ कि विलास पर प्रेम का निर्माण करने की चेष्टा उसका अज्ञान था। रमा इन्हीं विचारों में पड़ा पड़ा सो गया। उस समय आधी रात से ऊपर गुजर गई थी। सोया तो इसी सबब से था कि बहुत सवेरे उठ जाऊंगा, पर नींद खुली तो कमरे में धूप की किरणें आ आकर उसे जगा रही थी। वह चटपट उठा और बिना हाथ मुंह धोए कपड़े पहनकर जाने को तैयार हो गया। वह रमेश बाबू के पास जाना चाहता था। अब उनसे यह कथा कहनी ही पड़ेगी। स्थिति का पूरा ज्ञान होने पर वह कुछ न कुछ सहायता करने को अवश्य तैयार हो जाएंगे। जलपा उस समय भोजन बनाने की तैयारी कर रही थी। रमा को इस भांति जाते देखकर प्रश्न सूचक नजरों से देखा। रमा के चेहरे पर चिंता, भय, चंचलता और हिंसा मानो बैठी घूर रही थी। एक क्षण के लिए वह बेसुध सी हो गई। एक हाथ में छुरी और दूसरे में करेला लिए हुए वह द्वार की ओर ताकती रही। यह क्या बात है, उसे कुछ बताते क्यों नहीं? वह और कुछ न कर सके, हमदर्दी तो कर ही सकती है। उसके जी में आया पुकार कर पूछूं कि क्या बात है। उठकर द्वार तक आई भी, पर रमा सड़क पर दूर निकल गया था। उसने देखा वह बड़ी तेजी से चला जा रहा है, जैसे सनक गया हो। न दाहिनी ओर ताकता है न बाईं ओर, केवल सिर झुकाए पथिकों से टकराता, पैर गाड़ियों की परवाह न करता हुआ भागा चला जा रहा है। आखिर वह लौट कर फिर तरकारी काटने लगी, पर उसका मन उसी ओर लगा हुआ था। क्या बात है, क्यों मुझसे इतना छिपाते हैं? रमा रमेश के घर पहुंचा तो 8 बज गए थे। बाबू साहब चौकी पर बैठे संध्या कर रहे थे। इन्हें देखकर इशारे से बैठने को कहा। कोई आधा घंटे में संध्या समाप्त हुई। बोले, क्या अभी तक हाथ मुंह भी नहीं धोया? यही लीचड़पन मुझे नापसंद है। तुम और कुछ करो या न करो, बदन की सगाई तो करते रहा करो। क्यों, रुपये का प्रबंध हुआ या नहीं? रमानाथ, इसी फिक्र में तो आपके पास आया हूं। रमेश, तुम भी अजीब आदमी हो, अपने बाप से कहते हुए तुम्हें शर्म आती है। यही होगा ना, तुम्हें ताने देंगे, लेकिन इस संकट से तो छूट जाओगे। उनसे सारी बातें साफ साफ कह दो। ऐसी दुर्घटनाएं हो जाया करती हैं, इसमें डरने की क्या बात है? नहीं तो कहो, मैं चलकर कह दूं। रमानाथ, उनसे कहना होता तो अब तक कह चुका होता था। क्या आप कुछ बंदोबस्त नहीं कर सकते? रमेश, कर क्यों नहीं सकता, पर करना नहीं चाहता। ऐसे आदमियों के साथ मुझे कोई हमदर्दी नहीं होती। तुम जो बात मुझसे कह सकते हो, क्या उनसे नहीं कह सकते? मेरी सलाह मानो, उनसे जाकर कह दो, अगर वह रुपये ना दे तब मेरे पास आना। रमा को अब और कुछ कहने का साहस न हुआ। लोग इतनी घनिष्ठता होने पर भी इतना कठोर हो सकते हैं। वह यहाँ से उठा, पर जैसे उसे कुछ सुझाई न देता था। चौवैया में आकाश से फिरते हुए जलबिंदुओं की जो दशा होती है, वही इस समय रमा की हुई। 10 कदम तेजी से आगे चलता तो फिर कुछ सोचकर रुक जाता, और 10-5 कदम पीछे लौट आता। कभी इस गली में घुस जाता, कभी उस गली में। सहसा उसे एक बात सूझी, क्यों न जलपा को एक पत्र लिखकर अपनी सारी कठिनाइयां कह सुनाऊं? मुंह से तो वह कुछ न कह सकता था, पर कलम से लिखने में उसे कोई मुश्किल नहीं मालूम होती थी। पत्र लिखकर जलपा को दे दूंगा और बाहर के कमरे में आ बैठूंगा, इससे सरल और क्या हो सकता है। वह भागा हुआ घर आया और तुरंत पत्र लिखा। प्रिय, क्या कहूँ कि किस विपत्ति में फंस गया हूँ।
अगर 1 घंटे के अंदर 300 रुपये का प्रबंध न हो गया तो हाथों में हथकड़ियाँ पड़ जाएंगी। मैंने बहुत कोशिश की किसी से उधार लूँ, किंतु कहीं न मिल सका। अगर तुम अपने 1-2 जेवर दे दो तो मैं गिरवी रखकर काम चला लूँ। जो ही रुपये हाथ आ जाएंगे छुड़ा दूंगा। अगर मजबूरी ना आ पड़ती तो तुम्हें कष्ट न देता। ईश्वर के लिए रुष्ट न होना, मैं बहुत जल्द छुड़ा दूंगा। अभी यह पत्र समाप्त न हुआ था कि रमेश बाबू मुस्कुराते हुए आकर बैठ गए और बोले, कहा उनसे तुमने? रमा ने सिर झुकाकर कहा, अभी तो मौका नहीं मिला। रमेश, तो क्या 2-4 दिनों में मौका मिलेगा? मैं डरता हूँ कि कहीं आज ही तुम यूँ खाली हाथ न चले जाओ, नहीं तो गजब ही हो जाएगा। रमानाथ, जब उनसे मांगने का निश्चय कर लिया तो अब क्या चिंता है? रमेश, आज मौका मिले तो जरा रतन के पास चले जाना। उस दिन मैंने कितना जोर देकर कहा था, लेकिन मालूम होता है तुम भूल गए। रमानाथ, भूल तो नहीं गया, लेकिन उनसे कहते शर्म आती है। रमेश, अपने बाप से भी कहते शर्म आती है? अगर अपने लोगों में यह संकोच न होता तो आज हमारी यह दशा ही क्यों होती? रमेश बाबू चले गए तो रमा ने पत्र उठाकर जेब में डाला और उसे जलपा को देने का निश्चय करके घर में गया। जलपा आज किसी महिला के घर जाने को तैयार थी। थोड़ी देर हुई, बुलावा आ गया था। उसने अपनी सबसे सुंदर साड़ी पहनी, हाथों में जड़ाऊ कंगन शोभा दे रहे थे, गले में चंद्रहार, आईना सामने रखे हुए कानों में झुमके पहन रही थी। रमा को देखकर बोली, आज सवेरे कहाँ चले गए थे? हाथ मुंह तक न धोया। दिन भर तो बाहर ही रहते हो, शाम सवेरे तो घर पर रहा करो। तुम नहीं रहते तो घर सूना सूना लगता है। मैं भी सोच रही थी, मुझे मैके जाना पड़े तो मैं जाऊं या ना जाऊं, मेरा तो वहां बिल्कुल ही मन न लगेगा। रमानाथ, तुम तो कहीं जाने को तैयार बैठी हो। जलपा, सेठानी जी ने बुला भेजा है, दोपहर तक चली आऊंगी। रमा की दशा इस समय उस शिकारी की सी थी जो हिरणी को अपने शावकों के साथ किलोल करते देखकर तनी हुई बंदूक कंधों पर रख लेता है और वह वात्सल्य और प्रेम की क्रीड़ा देखने में तल्लीन हो जाता है। उसे अपनी ओर टकटकी लगाए देखकर जलपा ने मुस्कुरा कर कहा, देखो मुझे नजर न लगा देना, मैं तुम्हारी आंखों से बहुत डरती हूँ। रमा एक ही उड़ान में वास्तविक संसार से कल्पना और कवित्व के संसार में जा पहुंचा। ऐसे अवसर पर जब जलपा का रोम रोम आनंद से नाच रहा है, क्या वह अपना पत्र देकर उसके सुखद कल्पनाओं को दलित कर देगा? वह कौन हृदयहीन व्याधा है जो चहकती हुई चिड़िया के गर्दन पर छुरी चला देगा? वह कौन अरसिक आदमी है जो किसी प्रभात कुसुम को तोड़कर पैरों से कुचल देगा? रमा इतने हृदयहीन, इतना अरसिक नहीं है। वह जलपा पर इतना बड़ा आघात नहीं कर सकता। उसके सिर कैसी ही विपत्ति क्यों न पड़ जाए, उसकी कितनी ही बदनामी क्यों न हो जाए, उसका जीवन ही क्यों न कुचल दिया जाए, पर वह इतना निष्ठुर नहीं हो सकता। उसने अनुरक्त होकर कहा, नज़र तो न लगाऊंगा, हाँ हृदय से लगा लूंगा। इसी एक वाक्य में उसकी सारी चिंताएं, सारी बाधाएं विसर्जित हो गईं। स्नेह संकोच की वेदी पर उसने अपने आप को भेंट कर दिया। इस अपमान के सामने जीवन के और सारे क्लेश तुच्छ हो गए। इस समय उसकी दशा उस बालक की सी थी जो फोड़े पर नश्तर की क्षणिक पीड़ा न सहकर उसके फटने, नासूर पड़ने, वर्षों खाट पर पड़े रहने और कदाचित प्राणांत हो जाने के भय को भी भूल जाता है। जलपा नीचे जाने लगी तो रमा ने कातर होकर उसे गले से लगा लिया और इस तरह भींच भींच कर उसे आलिंगन करने लगा मानो यह सौभाग्य उसे फिर न मिलेगा। कौन जानता है, यही उसका अंतिम आलिंगन हो। उसके कर्पाश मानो रेशम के सहस्त्र तारों से संगठित होकर जलपा से चिमट गए थे, मानो कोई मरणासन्न कृपण अपने कोश की कुंजी मुट्ठी में बंद किए हो और प्रति क्षण मुट्ठी कठोर पड़ती जाती हो। क्या मुट्ठी को बलपूर्वक खोल देने से ही उसके प्राण न निकल जाएंगे? सहसा जलपा बोल उठी, मुझे कुछ रुपये तो दे दो, शायद वहां कुछ जरूरत पड़े। रमा ने चौंक कर कहा, रुपये तो इस वक्त नहीं है। जलपा, है मुझसे बहाना कर रहे हो, बस मुझे रुपये दे दो और ज्यादा नहीं चाहती। यह कहकर उसने रमा की जेब में हाथ डाल दिया।
और कुछ पैसों के साथ वह पत्र भी निकल आया। रमा ने हाथ बढ़ाकर पत्र को जलपा से छीनने की चेष्टा करते हुए कहा, कागज मुझे दे दो, सरकारी कागज है। जलपा, किसका खत है, देखूं तो? जलपा ने तह किए हुए पुर्जे को खोलकर कहा, यह सरकारी कागज है, झूठे कहीं के, तुम्हारा ही लिखा हुआ तो। रमानाथ, दे दो, क्यों परेशान करती हो। रमा ने फिर कागज छीन लेना चाहा, पर जलपा ने हाथ पीछे उधर करके कहा, मैं बिना पढ़े ना दूंगी। कह दिया, ज्यादा जिद करोगे तो फाड़ दूंगी। रमानाथ, अच्छा फाड़ डालो। जलपा, तब तो मैं जरूर पढ़ूंगी। उसने दो कदम पीछे हटकर फिर खत को खोला और पढ़ने लगी। रमा ने फिर उसके हाथ से कागज छीनने की कोशिश नहीं की। उसे जान पड़ा आसमान फट पड़ा है, मानो कोई भयंकर जंतु उसे निगलने के लिए चला आ रहा है। वह धड़धड़ करता हुआ ऊपर से उतरा और घर के बाहर निकल गया। कहाँ अपना मुँह छिपा ले, कहाँ छिप जाए कि कोई इसे देख न सके। उसकी दशा वही थी जो किसी नंगे आदमी की होती है। वह सिर से पांव तक कपड़े पहने हुए नंगा था। आह, सारा पर्दा खुल गया, उसकी सारी कपट लीला खुल गई। जिन बातों को छिपाने की उसने इतने दिनों चेष्टा की, जिनको गुप्त रखने के लिए उसने कौन कौन सी कठिनाइयां नहीं झेली, उन सबों ने मानो आज उसके मुंह पर कालिक पोत दी। वह अपनी दुर्गति अपनी आंखों से नहीं देख सकता। जलपा की सिसकियां, पिता की झिड़कियां, पड़ोसियों की कनफूसियां, सुनने की अपेक्षा मर जाना कहीं अच्छा होगा। जब वह संसार में रहेगा ही नहीं तो उसे इसकी क्या परवाह कि कोई उसे क्या कह रहा है। हाय, केवल 300 रुपये के लिए उसका सर्वनाश हुआ जा रहा है। लेकिन ईश्वर की इच्छा है तो वह क्या कर सकता है। प्रियजनों की नज़रों से फिरकर जिए तो क्या जिए। जलपा उसे कितना नीच, कितना कपटी, कितना धूर्त, कितना गपोड़िया समझ रही होगी। क्या वह अपना मुख दिखा सकता है? क्या संसार में कोई ऐसी जगह नहीं जहां वह नए जीवन का सूत्रपात कर सके, जहां वह संसार से अलग धलग सबसे मुंह मोड़कर अपना जीवन काट सके, जहां वह इस तरह छिप जाए कि पुलिस उसका पता न लगा सके। गंगा की गोद के सिवाय ऐसी जगह और कहाँ थी। अगर जीवित रहा तो महीने दो महीने में ही अवश्य पकड़ लिया जाएगा। उस समय उसकी क्या दशा होगी। वह हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ पहने अदालत में खड़ा होगा। सिपाहियों का एक दल उसके ऊपर सवार होगा। सारे शहर के लोग उसका तमाशा देखने आएंगे। जलपा भी जाएगी, रतन भी जाएगी। उसके पिता, संबंधी, मित्र, अपने पराए सभी भिन्न भिन्न भावों से उसकी दुर्दशा का तमाशा देखेंगे। नहीं, वह अपनी मिट्टी यूं खराब न करेगा। इससे कहीं अच्छा है कि वह डूब मरे। मगर फिर ख्याल आया कि जलपा किसकी होकर रहेगी। हाय, मैं उसे अपने साथ भी ले डूबा। बाबूजी और अम्मा तो रो रो कर सब्र कर लेंगे, पर उसकी रक्षा कौन करेगा? क्या वह छिपकर नहीं रह सकता? क्या शहर से दूर किसी छोटे से गांव में वह अज्ञातवास नहीं कर सकता? संभव है कभी जलपा को भी उस पर दया आ जाए, उसके अपराधों को क्षमा कर दे। संभव है उसके पास धन भी हो जाए, पर यह असंभव है कि वह उसके सामने आंखें सीधी कर सके। न जाने इस समय उसकी क्या दशा होगी। शायद मेरे पत्र का आशय समझ गई हो, शायद परिस्थिति का उसे कुछ ज्ञान हो गया हो, शायद उसने अम्मा को मेरा पत्र दिखाया हो और दोनों घबराई हुई मुझे खोज रही हो, शायद पिताजी को बुलाने के लिए लड़कों को भेजा गया हो, चारों तरफ मेरी तलाश हो रही हो, कहीं कोई इधर भी ना आता हो। कदाचित मौत को देखकर भी वह इस समय इतना भयभीत न होता जितना किसी परिचित को देखकर। आगे पीछे चौकन्नी आंखों से ताकता हुआ वह उस जलती धूप में चला जा रहा था। कुछ खबर नहीं थी किधर। सहसा रेल की सीटी सुनकर वह चौंक पड़ा। अरे, मैं इतनी दूर निकल आया। रेलगाड़ी सामने खड़ी थी। उसे उस पर बैठ जाने की प्रबल इच्छा हुई, मानो उसमें बैठते ही वह सारी बाधाओं से मुक्त हो जाएगा। मगर जेब में रुपये न थे, अंगुली में अंगूठी पड़ी थी। उसने कुलियों के जमादार को बुलाकर पूछा, कहीं यह अंगूठी बिकवा सकते हो? मैं 1 रुपया तुम्हें दूंगा। मुझे गाड़ी में जाना है, रुपये लेकर घर से चला था, पर मालूम होता है कहीं गिर गया। फिर लौट कर जाने में गाड़ी न मिलेगी और बड़ा भारी नुकसान हो जाएगा। जमादार ने उसे सिर से पांव तक देखा, अंगूठी ली और स्टेशन के अंदर चला। रमा टिकट घर के सामने टहलने लगा।
आंखें उसकी ओर लगी हुई थी। 10 मिनट गुजर गए और जमादार का कहीं पता नहीं। अंगूठी लेकर कहीं गायब तो नहीं हो जाएगा? स्टेशन के अंदर जाकर उसे खोजने लगा। एक कुली से पूछा। उसने पूछा, जमादार का नाम क्या है? रमा ने जबान दांतों से काट ली। नाम तो पूछा ही नहीं, बतलाए क्या? इतने में गाड़ी ने सीटी दी। रमा अधीर हो उठा, समझ गया जमादार ने चकमा दिया। बिना टिकट लिए ही गाड़ी में आ बैठा और मन में निश्चय कर लिया कि साफ कह दूंगा कि मेरे पास टिकट नहीं है। अगर उतरना भी पड़ा तो यहाँ से 10-5 कोस दूर तो चला ही जाऊँगा। गाड़ी चल दी। उस वक्त रमा को अपनी दशा पर रोना आ गया। हाय, न जाने उसे कभी लौटना नसीब भी होगा या नहीं। फिर यह सुख के दिन कहाँ मिलेंगे? यह दिन तो गए हमेशा के लिए। इसी तरह सारी दुनिया से मुंह छिपाए एक दिन वह मर जाएगा। कोई उसकी लाश पर आंसू बहाने वाला भी ना होगा। घर वाले भी रो धोकर चुप हो रहेंगे। केवल थोड़े से संकोच के कारण उसकी यह दशा हुई। उसने शुरू से ही जलपा से अपनी सच्ची हालत कह दी होती तो आज उसे अपने मुंह पर कालिख लगाकर क्यों भागना पड़ता? मगर कहता कैसे, वह अपने को अभागिन समझने न लगती? कुछ दिन ही सही, जलपा ने तो सुख के दिन काटे। उसकी लालसाओं की हत्या तो उसने न होने दी। रमा के संतोष के लिए अब इतना ही काफी था। शेष कहानी अगले भाग में। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पसंद करते हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। धन्यवाद।